अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वो भी अभी बोला है तो शायद राजवे ने बोला कि चालू रखा है, इसलिए उसमें भी वो बोल रहे हैं, इन लोगों को समझा रहे हैं कि सुबह डूब जाएगी नहीं है। ठीक आएगा बस आप लोग ऊपर आ जाओ, इधर लाइट ठीक आएगी। अरे उनके नक्शे में वो दिखा रहे लाके लोगों ने, ये खड़े हुए इधर पीछे तब आ रहे चल के इधर चलो रजिस्ट्री में नक्शा है जीवन उधर गया है पेड़ भी होता है वो चालू रखेंगे फिर बंद कर देंगे लेआउट है, लेआउट है। एक रास्ता बता दो रहा यहाँ से, ये तो ये वाला, ये वाला एक गेट है ना यहाँ पर, ये वाला इधर वाला, ये तो बाउंड्री वाला हो गई, ये रास्ता तो है, ये रास्ता 6 मीटर 6 मीटर वाइड, ये रहेगा रास्ता वाइड रोड। और इसके बाद क्या यहाँ का आप बंद कर रहे हैं? हाँ एक्चुअली इस प्लान के अकॉर्डिंग ये रास्ता बंद होगा ना, ये वाला, ये वाला बंद कर रहे हैं, ये वाला नहीं, ये तो चालू है, ये वाला एक रास्ता, ये इधर वाला है, ये फ्रंट एंट्री, ये तो फ्रंट, ये वाला है इधर से, ये वाला फ्रंट वहां से है। हां हां ये फ्रंट हो गया, एंट्री हो गई, ये सेकंड वाला, ये वाला रास्ता, ये क्लोज रहेगा या चालू रहेगा? ओपन रहेगा, दरवाजा रहेगा, ये कॉलोनी के दो रास्ते ठीक है। इधर मेरी बात सुनना, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता। अब ये रास्ते को आप जो है दोनों को बंद कर रहा? नहीं नहीं नहीं, ये वाला कौन सा रास्ता है भाई? ये वाला, नहीं तो ये वाला है ना, वो चालू है, ये चालू है, नहीं कहां से चालू है वहाँ? तो आप गेट की बात कर रहे हो तो गेट लग जाएगा, तो जो है गेट को क्या करेंगे हम? अगर रात को 12 बजे हमारे को जरूरत पड़ी तो जो है 12 बजे आके ना जो है किसको हिलाएंगे वहाँ पे? गेट तो चाहिए ही नहीं, वहाँ किसको हिलाएंगे? आम रास्ता है, मतलब गेट का मालूम तो दोनों जगह जो है ओपन चाहिए, मतलब थ्रू आउट ओपन होना चाहिए। सवाल जैसे पहले था वैसे चाहिए, हमारा फ्रीडम एक्सेस होना चाहिए, जैसा पहले था वैसा राइट टू रोड, राइट टू वे, राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे। ये भी सुन लेना, अगर गेट लगा रहे हैं आपने, दीवार हुई है और इसके जो है दो तरफ से रास्ते थे यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए सिविल लाइन की, ये अगर जब यहाँ पे डेवलपमेंट चालू हुआ है तो इन्होंने हमें अंधेरे में रख के ये चीज बोली थी कि हम इसको जो है अभी बच्चों के जो है गिरने पड़ने के डर से जो है इसको बंद कर रहे हैं, बाकी जो है रोड चालू रहेगा। लेकिन अभी हमें मालूम पड़ा है कि ये यहाँ पे पूरा दीवार बना रहे हैं और रास्ता हमारा जो है पूरा बंद कर रहे हैं और ये रास्ता मेन ये इधर बना रहे हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जो जब इतने वर्षों से जो है 78 से जो है लेके अभी तक की ये रास्ता जो चालू था तो अब रास्ता बंद क्यों कर रहे हैं? और ये ऐसा कौन सा रूल्स है कि हमें बता दें, ये रूल्स बताएं हमारे को कि जो है इस रूल से हम इसको बंद कर रहे हैं। आप लोगों के पास जो नक्शे हैं कॉलोनी के नक्शे हैं, सबके पास हैं, उन नक्शों में भी क्या है यहाँ पर रास्ता शो है? पूरा रास्ता जो है ये तो देखो, इधर गवर्नमेंट बोर्ड ने कई बार डामरीकरण किया है। सुनो एक मिनट, ये क्या था, ये एक्चुअल हमारी कॉलोनी जो है वहाँ कोने पे आके खत्म होती है और यहाँ से जो है ये गवर्नमेंट क्वार्टर लगते थे, तो ये इधर की साइड में गवर्नमेंट क्वार्टर वालों ने पूरा जो है रास्ता बना हुआ था, उधर से भी रास्ता था, तो हमारी कॉलोनी ने हमारे वहाँ तक तो रास्ता शो करा है। इसके बाद ये वाला रास्ता जो है ये इनके उसमें नक्शे में कनेक्टिंग रोड तो था, कनेक्टिंग रोड पर दो थे, कौन बंद कर रहे हैं ये रास्ता? ये वाला रोड था और ये कवर्ड कैंपस बोल रहे हैं, इसको कवर्ड कैंपस बना रहे हैं। कौन बंद कौन कर रहा है, कौन निर्माण कर रहा है? ये प्राधिकरण सुंदरिया बिल्डर्स भी है, निर्माण कर रहे हैं, निर्माण सुंदरिया बिल्डर्स कर रहा है वैसे प्राधिकरण के अंडर में। अच्छा आप लोगों ने इस चीज को लेके क्या नगर निगम या अन्य प्रशासन से बात की? प्राधिकरण में जाके बात करी थी, पर नगर निगम से नहीं, कोई एनओसी ली है? नगर निगम इसका जिम्मेवार होता है रास्ते अगर कोई बंद होते हैं तो, ऐसा कुछ जानकारी है? नहीं अभी हम लेंगे उसकी जानकारी, नगर निगम से हमने इस बारे में कोई, अभी हम प्राधिकरण से मिले थे, प्राधिकरण अध्यक्ष से मिले थे, उन्होंने हमने आश्वासन भी दिया था
कि जो मैं उन्होंने तुरंत इंजीनियर को बोलकर उन्होंने नक्शा भी बोला था, पर अभी फिलहाल काम रुक गया, लेकिन आश्वासन मिला है कि जो सही होगा वो करेंगे, बट निराकरण होना चाहिए। आप लोगों ने कोई आवेदन वगैरह आपत्ति वगैरह ली है क्या? आपत्ति अभी अभी सिर्फ हमने बात की, प्राधिकरण में जाके बात करी थी, मौखिक बात करी है। आपको ये बात किसने बताई है रास्ते बंद होंगे? दिए आपको किसी ने बताया कि रास्ते बंद होंगे? ये लोग खोल रहे हैं यहाँ पे जो इन्होंने पिलर वगैरह, यही इंजीनियर यहाँ कोई इंजीनियर थे उन्होंने ही बोला था कि यहाँ पर संपोवेल बनाएंगे और दीवार उठेगी और वहाँ पर गेट लगा देंगे, तो अगर रास्ता है तो गेट का भी क्या तूक है, या तो वहाँ भी दीवार उठा दो। ठीक है, आप कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप लोग? पंचशील कॉलोनी ए सेक्टर और बी सेक्टर। अगर ये रास्ते अगर बंद होते हैं तो ये फिर वैकल्पिक मार्ग कहाँ से है फिर आपके? वो कलेक्टर बंगले के इधर से घूम के आना पड़ेगा, पूरा राउंड अप लेना पड़ेगा। कितना राउंड अप लेना पड़ेगा? तकरीबन आधा आधा किलोमीटर। ठीक है।